हेलो दोस्तों, ये न्योरी मार्केट में आजमगढ़ रोड में दाहिने साइड में एक दुकान है निशा गारमेंट्स। तो अगर यहाँ से आप होलसेल में कपड़ा लेना चाहते हैं तो आप भाई से संपर्क करिए निशा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अम्बेडकर नगर चैनल। दोस्तों यहाँ आज हम जोड़ो हाईवे पास, यहाँ मज़ार दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पास में खड़े हुए हैं। आज आपको रोड साइज व्यू जो हाईवे से चलते हुए हम आप लोगों को दिखाएँगे और न्योरी मार्केट तक आप लोगों को पूरा व्यूज़ दिखाएंगे। रास्ते में जो प्रचलित स्थान है उसको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, अपनी बाइक पर सवार हो चुके हैं और हमारी बाइक स्पीड के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यह है NH 233 वाराणसी टू लुम्बिनी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। यह राजमार्ग बौद्ध सर्किट का एक अहम हिस्सा है और यहाँ पर दो ग्राम आ रहे हैं, ग्राम खजुआपुर और ग्राम सुल्तानपुर, दो गांव हैं। बोर्ड लगा हुआ था और ये रहा प्राथमिक विद्यालय। यह है प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर, जिसे इदलापुर भी लोग बोलते हैं। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस रोड के किनारे दोनों तरफ ग्रामीण एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं और यहाँ पर खेती संबंधी क्रियाकलाप काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते होंगे ट्रैक्टर भी जा रहा है, अभी सुबह का समय है। और इस हाईवे के निर्माण में जिन जिन लोगों के खेत गए हैं उनको काफ़ी पैसा मिला है, लगभग 4 गुना वर्तमान रेट से 4 गुना ज़्यादा मिला है उनको। और इसके आगे बनाया गया है ट्रक ले, जहां पर ट्रक वाले अपना ट्रक खड़ा करके आराम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। और आप देख रहे होंगे किनारे कई ट्रक खड़े हुए हैं। ट्रक ले काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक साइड ट्रक खड़े हो जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, रोड ब्लॉक भी नहीं होती है। और ये रहा ट्रक ले, ये रहा सुल्तानपुर गाँव, ये बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट साइड। अतरौलिया यहाँ से 20 किलोमीटर है। और ये लगा है सोलर पैनल, इसके आगे है ओझा गांव, ये देखिए ये रहा बोर्ड ओझा गांव का। और इसके आगे है कबीरपुर गांव, ये रहा कबीरपुर गांव का बोर्ड। और आगे एक ढाबा बना हुआ है, हाईवे ढाबा खुला है, ये रहा हाईवे ढाबा और ये रहा इसका बोर्ड। और ये रहा बदियापुर गांव, बोल्ड गया इसका, शायद यही रास्ता है बदियापुर जाने का। और ये रहा गांव दुर्गीपुर, ये रहा दुर्गीपुर का गोल्ड राइट साइड। ये है शायद गढ़ा तालाब, पानी काफ़ी ज़्यादा भरा है, खेत भी इसमें डूब गए हैं। और इसके आगे गांव मिलेगा बुकियाँ, ये रहा बुकियाँ गाँव का बोल्ड। और इसके आगे का नज़ारा देखिए, ग्रामीण इलाका। और यहाँ रहा ये मंदिर, ये नहर शायद गई है, नहर गई है। और ये रहा मंदिर, दो मंदिर बने हुए हैं, शायद हनुमान जी के मंदिर हैं। और ये रहा बाग बुकियाँ की, ये आगे रहा कटिया पहलवान, ये रहा कटिया पहलवान राइट साइड डायरेक्शन में। और वाराणसी की दूरी यहाँ से है 153 किलोमीटर, जो कि लखनऊ से काफ़ी कम है। बसखारी से लखनऊ की दूरी 216 किलोमीटर है। और ये ऑटो देख सकते हैं, ऑटो चलते हैं बसखारी से न्योरी तक, और बसखारी से न्योरी की दूरी है 15 किलोमीटर, किराया लगता होगा लगभग 30 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर का 2 रुपया। और आगे है ये अरूहपुर गांव जाने का रास्ता, यहाँ बोर्ड लगा था। और यहाँ से सड़क कुछ मुड़ी हुई है और आगे साइन बोर्ड लगा है, अभी पढ़ के बताता हूँ कहाँ की दूरी कितनी है यहाँ से। और ये है अतरौलिया 17 किलोमीटर, आजमगढ़ 56 किलोमीटर और वाराणसी 152 किलोमीटर, सब इसी रोड पर मिलेगा, सीधे आप चलते जाइए। और आगे जो रास्ता मिलेगा कटा हुआ मोड़, ये जाता है शुक्ल बाज़ार मार्केट के अंदर, ये रास्ता जाता है शुक्ल बाज़ार मार्केट के अंदर। हम लोग मार्केट के अंदर ना जाते हुए सीधे चलेंगे और निकलेंगे आगे की तरफ, रामोद स्कूल होते हुए चलेंगे। रोड लगभग पूरी खाली हुई है, दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अर्जित वर्मा, इनको मिलाता हूँ, किसी और वीडियो में मिलाऊंगा इनको। और आगे जो रास्ता आने वाला है, ये है शुक्ल बाज़ार का रास्ता, उधर से भी मोड़ था, इधर से भी आप शुक्ल बाज़ार मार्केट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अतरौलिया यहाँ से 15 किलोमीटर और वाराणसी 150 किलोमीटर है। यही है वो मार्ग जिसके अंदर से आप शुक्ल बाज़ार मार्केट के अंदर जा सकते हैं, ये रहा मार्ग। और ये रहा हाई वोल्टेज ग्रिड, और किछौछा के पास भी यही निकला है,
कि चौथा वाला आप हमारा वीडियो देखेंगे वो तब पर भी वो यही मिलेगा आपको, ये हाई वोल्टेज नेशनल ग्रिड। और ये रहा आगे बिलवैया गांव, ये रहा बिलवैया गांव का बोर्ड राइट साइड, और यहीं से शुरू होता है राम अवध स्मारक डिग्री कॉलेज। ये रहा राम अवध स्मारक डिग्री कॉलेज, इसका मुख्य द्वार, बीए, बीएससी और बीएड वगैरह के कोर्स होते हैं यहाँ पर। ये है जलालपुर गांव, ये रहा जलालपुर गांव का बोर्ड, जलालपुर कस्बे से कन्फ्यूज ना होइएगा, जलालपुर गांव था ये। और आगे एक मंदिर दिख रहा होगा आपको, वो है कौड़ाही गांव, कौड़ाही गांव का मंदिर जस्ट रोड के किनारे है। ये रहा कौड़ाही गांव का बोर्ड, और ये आने वाला है, ये रहा मंदिर जस्ट रोड के किनारे बना हुआ। और जो एक खेतों में काम कर रहे हैं, यहाँ धान की दौराही चल रही है, धान को थ्रेशर से दाया जा रहा है, और कुछ धान कच्चे पड़े हुए हैं, हरे धान हैं, और ये चल रहा है अक्टूबर का लास्ट सप्ताह, ये धान पूरा हरा भरा दिख रहा है, और कुछ धान पक गए हैं जो खेतों में दाए जा रहे हैं, ये देखिए लेके जा रहे हैं ठेलों पर, अक्टूबर का लास्ट सप्ताह चल रहा है, खेतों में देख सकते होंगे हरे भरे लहलहाते खेत। और ये आगे आ गया ट्रक ले, ये है ट्रक ले, वही पिछला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, ट्रक वालों के रुकने के लिए लाइटें भी लगाई गई हैं ताकि ये सुचारू रूप से अपना खाना वगैरह बना सकें और यहाँ पर ठहर सकें शांति से, अलग से ट्रक खड़े हो जाते हैं रोड के किनारे। और आगे ये रहा कनकपुर राइट साइड, कनकपुर सोनापुर, और आगे चंद दूरी बची है न्योरी के आने में, ये न्योरी बस आने ही वाला है। और ये आ गया है न्योरी का ब्रिज, ब्रिज से हम लोग जाने वाले थे लेकिन बाद में अपना डिसीजन चेंज कर लिया, अब ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, न्योरी का ब्रिज के जस्ट बगल है, और अब हम लोग चलने वाले हैं ब्रिज के नीचे से ताकि आपको मार्केट भी दिखा सकें, न्योरी का मार्केट ब्रिज के नीचे का नज़ारा, तो हम लोग ब्रिज के नीचे से निकल रहे हैं। यह है न्योरी की छोटी सी मार्केट, आप देख सकते हैं कई गाँव को जोड़ती है, आसपास के छोटे गाँव हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं न्योरी मार्केट में। और ये आ गया पुल, न्योरी के पुल के नीचे है, और ये रोड जो देख रहे हैं जिस तरफ से ट्रैक्टर आ रहा है रफीगंज है, और ट्रैक्टर जिस तरफ जा रहा है ये है रामनगर की रोड, और सीधे जाती है गोविंद साहब की तरफ, और आजमगढ़ अतरौली वाली रोड भी सीधे जाती है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ मार्केट में न्योरी चौराहे पर आ चुके हैं, और दोस्तों आपने हमारा एक वीडियो जो न्योरी से रामनगर मार्केट तक आप लोग देखे हुए थे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों यहां का मार्केट आप लोग देख रहे हैं काफ़ी घनी है, और यहां आके देखते हैं कुछ छोटे छोटे दुकानें फले हैं कपड़ों के हैं और लगे हुए हैं, और यहां के देखते हैं कुछ गारमेंट्स की दुकानें हैं, यहाँ के मार्केट किस हिसाब से चलती हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को। हेलो दोस्तों, तो यहाँ हम लोग निशा गारमेंट्स में आ चुके हैं, आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ कपड़ों की भंडारे लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और ये मतलब आप ये सामान लगभग कितने कहाँ से मंगाते हैं? मतलब मैं सब दिल्ली से आता है और अपना भी बनता है। अच्छा, अपनी दो कंपनी है दिल्ली में। अच्छा, अपना खुद का कंपनी है? जी जी, ठीक। खुद की कारखाने हैं वहाँ? जी हाँ, दो हैं। दो कारखाने हैं आपकी दिल्ली? जी। तो आप दिल्ली से कपड़ा यहाँ मंगवाते हैं, तो मंगवाते काफ़ी सस्ता भी बेचते होंगे? हाँ, बहुत सस्ते बेचते हैं। ऐसा कि न्योरी पूरे एरिया में आप ही सस्ता बेचते हैं क्या? हाँ, हम ही सस्ता बेचते हैं। अच्छा, तो क्या आप होलसेलिंग का भी धंधा करते हैं? हाँ, होलसेलिंग का है मेरा यहाँ। अच्छा, ये कैसे है? ये 180 में है होलसेल में। 180 होलसेल में? और वो किसने का होगा? वो जैसे वो अगर कोई सिंगल लेने आया सिंगल 400 रुपये का यहाँ पे, 400, और होलसेलिंग में 180 रुपये का। 180 रुपये पूरी सेटें बेचते होंगे आप? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जींस दिखाइए अपना। फ्रेंड्स, तो ये आप देख रहे हैं, ये कैसे है ये जींस? ये है 1699 रुपये की, लिब्रो होलसेल में नहीं, 500 की होलसेल की। अच्छा, अगर फुटकर बेचते हैं 1699 रुपये की, और होलसेलिंग में बेचते हैं 500 रुपये की। बहुत ही सस्ता है आप यहाँ, मतलब पूरे न्योरी मार्केट में ही आप काफ़ी सस्ता बेचते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास खुद की कारखाने है। तो जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई होलसेलिंग करे तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई दुकान पूरे अम्बेडकर नगर में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अच्छा, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग को होलसेलिंग की बिजनेस करना है, कपड़े की धंधा करना होलसेलिंग के लिए, तो आप निशा गारमेंट्स में आ सकते हैं, जो